फंतनी नाले हैं। फंतनी नाले को स्कूल बस ने पार किया, स्कूली बच्चों से भरी थी बस। ड्राइवर ने डेंगुर जोर नाले को पार कर लापरवाही का जो वीडियो है वो सामने आया है, और ये देखिए तस्वीरें। जब इस पुल को पार करने की कोशिश ड्राइवर करता हुआ नजर आए, इसमें बच्चे भी सवार थे। आपने पहले भी कुछ तस्वीरें देखी हैं जब ऐसे रास्तों से गुजरना जान को जोखिम में डालता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे इसमें सवार थे और उनकी जान को खतरा यहां पर था। उसके बावजूद जो ड्राइवर है वो तेज धार के बीच से बस को लाता हुआ नजर आया है, और ये वीडियो सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ऐसे जो घटनाक्रम है बार बार सामने आ रहे हैं, जब हादसों से भी सीख ड्राइवर नहीं लेते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें बच्चों की जान पर बनाती है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। तमाम हादसे हो रहे हैं इन दिनों, उसके बावजूद कोई सीख नहीं, कोई सबक नहीं, बच्चों की जान पर भी बना सकती अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो। ये बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद कहा जा सकता है कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, और यहाँ पर जो है गंभीर हादसा हो सकता है, और इसके जिम्मेदार जो है वो स्थानीय लोग और अभिभावक समेत जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीर है वो रोज यहाँ पर सामने आती है, और उसके बावजूद जो है लोग लापरवाही करके बच्चों को इसी तरीके से वहां पर स्कूल भेजते हैं, और उसके बाद जब नदी में पानी भरा होता है तो बच्चे इसी तरीके से खतरा मोल लेकर वापस लौटते हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि इस जगह पर पुल की मांग जो है लंबे समय से होती रही है, और बगीचा विकास खंड का ये जो डेंगुर जोर नाला है यहाँ पर लंबे समय से पुल की मांग हो रही है, लेकिन आज तक पुल की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल, अगर जल्द ही इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ पर एक गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी किस तरह तरीके से उफन रही है और इसमें जो है पानी जबरदस्त भरा हुआ है, और इसके बावजूद जो है इसको स्कूली बच्चों से भरी हुई बस को यहाँ पर पार कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं। प्रशासन को यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो प्रशासन को वाकई में सतर्क रहने के साथ साथ आम जन को भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, जहां बीजापुर में दो महीने बनी गंगा लूर से नेसलनार की सड़क पहली बारिश में ही बह गई। 20 से 30 किलोमीटर लंबी सड़क में पुलिया भी बनी थी। करीब 56 करोड़ की लागत से ये सड़क बनकर तैयार हुई थी। आरोपी के अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से इसकी लागत करीब 112 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन पहली बारिश में ही ये सड़क बह गई और इससे लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की है। जगदलपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसका संज्ञान लिया। सीएम साय ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि जिस सड़क और पुल पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सड़क और पुल पुलिया के लिए हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा में होते हैं, और नक्सलियों के लगाए गए आईडी, और कई बार ऐसे होते हैं कि जब हमारे जवान आरोपी के तौर पर उस सड़क में सुरक्षा देने जाते तो नक्सलियों के फायरिंग में उनकी मौत हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। शहदात पुलिस जवानों के शहदात पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार सुरेश चंद्राकर और PWD के अधिकारियों ने कांग्रेस शासनकाल में किया है, मैं चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी उसकी विधिवत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें। देखिए, कोई भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। आप लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों का तांता लगा है जेल में जाने का, चाहे वो शराब में भ्रष्टाचार किए हो, चाहे कोयला में किए हो, चाहे DMF में किए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बक्सा नहीं जाएगा। सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच करवाएंगे और दोषीदार कोई बक्से नहीं जाएंगे। पावर प्लांट का डैम खतरे के निशान के ऊपर, अभी नहीं खुले डैम के 9 गेट। डैम के आसपास के गांवों को अलर्ट जारी किया गया है, और बीते 24 घंटे से जिले में रुक रुक कर हो रही है बारिश। चिकनी गांव के महान नदी पर है पावर डैम, और ये देखिए तस्वीरें आप, जब तेज बहाव में पानी की धार नीचे की तरफ जा रही है डैम के आसपास के गाँवों को, इसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
और आगे बढ़ेंगे जहां महासमुंद में चलते ट्रक में आग लग गई। नेशनल हाईवे 53 बिरकोनी के पास आग लगने का मामला सामने आया। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। रायपुर से पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। खबर महासमुंद से है जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में लगी आग देखिए तस्वीरें आप पहले देखिए। नेशनल हाईवे 53 का पूरा मामला है। बिरकोनी के पास ही आग लगी थी। ड्राइवर और क्लीनर सभी सुरक्षित है। कूदकर इन्होंने अपनी जान बचा ली। रायपुर से पश्चिम बंगाल ये ट्रक जा रहा था। कई खतरनाक कुछ कई खतरनाक